शौकत इतने गुस्से में क्यों है तू? इस घैयाल को मार के आ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अम्मी? मेरी जिंदगी एक कटी हुई पतंग की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी का तो कुछ पता नहीं। सोचते हो मेरी बेटी का क्या होगा? ठीक, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और एनी की क्यों फिक्र करती है? उसके साथ मैं हूँ ना। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जिसको चाहूंगा यहाँ रखूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा वहां यहाँ नहीं रखूंगा। आज इस घर में कोई मर्द नहीं आना चाहिए। समझे? आंटी मैं चलता हूँ। लेकिन बेटा, आंटी मैं फिर किसी दिन आऊंगा, आप परेशान मत। खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं यहाँ जो भी करने आया उससे तुम्हें क्या मतलब? लगता है कल की मार याद नहीं तुझे। और लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। मैंने अभी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तुम जैसे को सबक सिखाना अच्छी तरह आता है मुझे। अब तू मुझे सबक सिखाए। सही कह रहा, जानवरों को सबक नहीं सिखाया। ये देख रहा है गन, इसका लाइसेंस भी है मेरे पास। मार के यहीं कहीं फेंक दूंगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा तुझे। और अगर मुझे किसी ने पूछा तो बोल दूंगा सेल्फ डिफेंस में गोली चलेगी, उसकी सजा भी नहीं होती, जानता है ना? धमकी दे रहा है मुझे? मैं धमकी नहीं देता, सीधा आर या बार। और आइंदा एनी के इर्द गिर्द भी मत नजर आना। तुम मुझे रोकोगे एनी के पास जाने से? मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोक रहा हूं। तुझ जैसों को रोकने के बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे। बशीर अंकल को तो जानता है ना, उनसे पूछ ली कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है। समझा? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ कोमल, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। मेडिसिन लिए तुमने? हाँ ले ली। और वकार कहाँ है? उन्हें कोई काम था, बाहर गए। उस लड़की से मिले? सानिया प्लीज। तुमने पूछा वकार से कि वो लड़की कौन है? हाँ। कोमल तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता? हाँ नहीं पूछा मैंने उससे। और किस हक से पूछती? मेरा और उसका ऐसे कोई रिश्ता नहीं है कि मैं उस पर अपना हक जताऊं। क्यों नहीं है रिश्ता? सबसे मजबूत तरीन रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। हर खूनी रिश्ता इसी रिश्ते की वजह से इस दुनिया में आता है। पर हमारा ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। कोमल हकीकत छुपाने से छुपती नहीं है। और वकार ने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। तुम्हारा पूरा हक है उस पर। और अगर वो किसी को पसंद करता था तो उसको तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है एक शोपीस की तरह।
जब चाहा बीवी बनाकर लोगों को दिखा दिया कि ये मेरी बीवी है, और जब चाहा एक कोने में रख दिया। ये तुम्हारे जज्बात ऐसा साथी कोई कदर नहीं है उसे, क्या कोई जगह नहीं है उसके दिल में तुम्हारे लिए? इतना पत्थर दिल इंसान है यार, I hate him but I love him। ये जिंदगी मैंने अपने लिए खुद पसंद की, वकार ने तो मुझे चॉइस दी थी कि मैं चाहूं तो उसको छोड़ के चली जाऊं। हाँ मैं जानती हूँ, शादी के बाद, क्योंकि वो जानता था कि तुम एक शरीफ खानदान की बेटी हो और ऐसा कभी नहीं कर सकती। सानिया, मुझे भी शुरू में यही लगा कि वकार बहुत ही सेल्फिश इंसान है, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि वकार कितना खूबसूरत इंसान है, कितना अच्छा बेटा और कितना अच्छा दोस्त। और शोहर? सानिया, जो हम जिंदगी में चाहते हैं वो मिलना जरूरी तो नहीं है। मुझे वकार ऐसे ही पसंद है, वो मुझे चाहे ना चाहे, लेकिन मैं तो उसे चाहती हूँ ना। अच्छा बाबा, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर क्या तुम उससे ये नहीं पूछोगी कि कल उसके साथ कौन सी लड़की थी? पूछूंगी। पक्का? हाँ पक्का। गुड, चलो उठो, मुंह हाथ धो, कोई देखिएगा ना तो मुझे बुरा कहेगा। बाजी, 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 बाजी! आ गए शौकत, ये ले पानी पी। ये क्या किया तूने? और क्या करता मैं ना, आज फिर किसी से लड़ झगड़ के आया है? दिमाग खराब है ना मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, हर किसके साथ लड़ता फिर रहा हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है? मैं जान गया हूँ तुझे भी अच्छी तरह बाजी। क्या कह रहे है? मैंने क्या किया है? यही तो रोना है कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया तूने। ओहो, हुआ क्या शौकत? वो यहाँ क्या करने आया था? कौन? वही जो भी यहाँ से गया है। अच्छा, वो मुझे पहले ही पता था। देख, मैंने बशीर से बात की है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ नहीं आएगा तो एनी उसे बाहर मिल लेगी। तो मिलता रे, तू क्यों अपना खून जला रहा है? देख बाजी, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आइंदा मुझे वो नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ अच्छा बाबा, कह तो दिए, अब वो यहाँ नहीं आएगा। चल बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ तेरे लिए। एवं गिलास भी तोड़ दिया, शुक्र है जेज का नहीं था मेरे। नाराज हो मुझसे? नहीं। मुझे पता है अदनान तो मुझसे नाराज हो। जब जानती है तो पूछ क्यों नहीं? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। बस करते हैं बच्चियों, क्या बेहतरी है मेरी इसमें? मैं तुम्हें अपनी दोस्त के घर इसलिए लेकर गई थी क्योंकि मैं चाहती थी तुम उसकी छोटी बहन से मिलो। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझसे तुम्हारा अकेलापन नहीं देखा जाता। मैं अकेला नहीं हूँ बजिया, आप है ना, निम्रा है मेरे साथ। निम्रा है? कहाँ है निम्रा? ये तुम्हारी भूल है कि वो तुम्हारी है, वो अपनी माँ की और हमेशा उसी के पास रहेगी। बजिया, वो मेरी भी उतनी बेटी जितनी एनी की है। अदनान, बच्चे तो हमेशा माँ के ही होते हैं, और फिर वो तो अपनी माँ की आगोश में पल रही है। उसकी माँ उसे जो समझाएगी कल को वो वही करेगी। कल जो होगा देखा जाएगा, और वैसे भी हमारी तलाक से पहले भी तो एनी उसकी परवरिश कर रही थी ना, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ा? बच्चिया प्लीज, मैं इस फजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम हकीकत से नजरें नहीं मिलाना चाहते? कहाँ जा रहे हो? निम्रा से मिलने। इस वक्त? हाँ, उसके स्कूल जा रहा हूँ।
अस्सलामुअलैकुम, कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। चलें? लेकिन मामा? मामा को मैं बता दूंगा बाद में, बल्कि उनके आने तक हम आ जाएंगे वापस। हाँ चलें? जी चलो, आ जाओ। कहाँ जाना है? आइसक्रीम खानी है या बर्गर खाना है? आइसक्रीम। गला तो खराब नहीं है? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। निम्रा को बुला दे। वो तो चली गई। चली गई? किसके साथ चली गई? पता नहीं। कैसे पता नहीं? मेरी बेटी कैसे जा सकती है वो? या अल्लाह। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना मामा कितनी परेशान हो जाती हैं। सॉरी मामा, मैं बाबा के साथ आइसक्रीम खाने गई थी। आई एम सॉरी, मैं इसको ले गया था। मैंने सोचा जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन रश में फंस गए। बगैर बताए ले गए? ये भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। हमने सोचा था पहले आ जाएंगे। कहा ना, आई एम सॉरी, गलती हो गई, आई एम सॉरी। सॉरी कहना आसान है, लेकिन जिस पे होती है ना वही जान सकता है। चलो बेटा। कैसी है कुमार? आ गया आपको ख्याल? सानिया, आप हमेशा मुझसे इतना घुड़ी क्यों रहती? ये सवाल आप मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछें तो शायद जवाब मिल जाए। वैसे ये सवाल कोमल को आपसे करना चाहिए, पर मैं जानती हूँ कि वो पूछेगी नहीं आपसे, तो मैं उसकी बहन होने के नाते ये पूछ लेती हूँ आपसे। कैसा सवाल? वो कल गाड़ी में लड़की कौन थी आपके साथ? क्या कोमल भी जानती है कि मैं इन्हीं के साथ था? ये कैसे हो सकता है कि सानिया कोई बात जानती है और वो कोमल को बताना? लेकिन कोमल ने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे आप कब आए? बस अभी। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें इतना सुकून से सोते देखकर मेरा दिल ही नहीं चाहा। कोमल, एक बात पूछूं? जी जी कहिए। क्या तुम भी कल सानिया के साथ थी? कब? मैं जानता हूं कोमल, कल जब तुमने मुझे गाड़ी में देखा था। आपको सानिया ने कहा है? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या कहती? पूछती कि मैं किसके साथ था। तो उससे क्या होता? कोमल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूं कोमल, मैंने जिंदगी में तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ गम दिए। प्लीज मुझे माफ कर देना। आप ऐसा मत कहें, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे अच्छा लगता। तुम पूछोगे नहीं कि वो लड़की कौन थी? मुझे पता है वो यानी थी।
क्या हुआ अनी, सब ठीक तो है? जी अम्मी। हाँ बेटा, आज वकार आया था यहाँ। हाँ लेकिन क्यों अम्मी, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही हूँ। शौकत और बशीर ने उसे बहुत बुरा भला कहा। क्या करूँ मैं, मेरा बस नहीं चलता एक दिन भी यहाँ ना रुकूं। लेकिन क्या करूँ अम्मी, मजबूरी है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी वकार ठीक तो था ना, मेरा मतलब शौकत ने उसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो समझी वकार ने तुम्हें सब कुछ बता दिया इसीलिए तुम परेशान हो। नहीं अम्मी, वकार को जानती हूँ मैं, वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहेगा। हाँ बहुत ही अच्छा इंसान है। अच्छा तो फिर परेशान क्यों है तू? परेशानी तो मेरी सहेली बन गई, जहाँ मैं वहाँ वो। कह छोड़े, अभी खाने में क्या बना है? दाल चावल पकाए हैं, लाऊं? नहीं, आपने खाया? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। बशीर मेरे भाई को कुछ नहीं कहना, आ जा शौकत। मैंने कहा ना बाजी, नहीं खाना मैंने। और नहीं खाना तो ना कहा, लड़ क्यों रहा है? मैं बात करना चाहता हूँ बाजी। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? बाजी वो मुझे ना शादी करनी है। हाय ये हुई ना बात। हाय शौकत, मैंने तेरे लिए ना इतनी सारी लड़कियों की फोटोएं रखी हैं, जिस पे हाथ रखेगा ना उसको दुल्हन बना के तेरे लिए घर ले ही आऊंगी मैं। नहीं बाजी, मैंने लड़की पसंद कर ली। लड़की पसंद कर ली है? और तू है दिमाग खपा रही, पहले भाई से तो पूछ ले कौन है वो। एनी। साडे वाल मुखड़ा मोड़। तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे तू? दिमाग भी ठीक है और मैं होश में भी हूँ। वो कभी नहीं मानेगी। ओ उसके मानने की बात तो बाद में आती है, मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार रही हूँ और ऐसा कभी नहीं होगा। वो तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ वो मेरे भाई के लिए रह गई है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तेरी मर्जी नहीं पूछी बाजी, अपना फैसला सुना रहा हूँ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ एनी से, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे अकल से काम ले शौकत, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। पाए ना इधर मेरी तरफ, नामुमकिन को मुमकिन करना ही मेरा शौक है और मैं ये मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल है जो एनी के साथ मुझे शादी करने से रोकता है। ओ साले इधर, जवाब देगी तुझे खुद ही। क्या हो गया इस लड़के को? क्या वकार अभी भी एनी को चाहता है? क्या मुझे उन दोनों के दरमियान से हट जाना चाहिए? लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि एनी शादीशुदा है या नहीं। वकार, मैं आपको आपकी खुशियां वापस लौटाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तुम्हारी खुशी को मत, मेरी खुशी तो अकार की खुशी से है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप उठ गए, मुझे भी उठा दिया होता तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। क्या ये सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी? ऐसा क्यों कह रही हो यार? तो पहले ही मैं शर्मिंदा हूं। आप क्यों शर्मिंदा? तुम जानती हो। अच्छा छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप एनी से कब मिलवा रहे हैं मुझे? मैं चाहती हूं कि तुम एनी का रिश्ता मेरे भाई शौकत के लिए दे दो। आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। एहसास से जुर्म तन करने लग जाता है मुझे। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ आपके साथ वो मेरी वजह से हुआ। आप एनी को लंच पे ला रहे हैं ना? आपने उससे बात की है?